हेलो गाइस, कैसे हो? तो दोस्तों, सारे कंपनी में यूए गवर्नमेंट ने छुट्टी दिलाती है, बट सप्लाई कंपनी वाले को छुट्टी क्यों नहीं मिलता है? प्रॉपर इस पे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके, क्योंकि वर्कर से रिलेटेड जो भी अपडेट आता है दोस्तों, मैं अपने चैनल पर आपके लिए डालते रहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ और बताता हूँ अपडेट के बारे में। और कोई भी सवाल है, कोई भी कन्फ्यूजन है, चलता वीडियो भर में 4 अंक का कोड आएगा, उस कोड के साथ आप कमेंट करो, आपका भाई जरूर रिप्लाई करेगा। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए, कंपनी और सप्लाई कंपनी ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। यहाँ पे कंपनी टू कंपनी है। आपके जो भी ओनर है वो लाइसेंस निकाल लेता है, उसी पर क्या करता है दोस्तों कि मैन पावर कंपनी खोल देता है। बट दोस्तों, सारे जितने भी कंपनी है, सारे का कॉन्ट्रैक्ट सेम ही होता है वर्कर की। आपको 2 साल में 2 लीव सैलरी देना ही देना है, वो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है जब आप साइन करते हो दोस्तों, जो इंग्लिश में भी होता है, अरबी में होता है जो, और उस पर हम लोग फिंगर भी लगाते हैं, साइन भी करता है। उसमें पूरा डिटेल होता है कि कितने दिन में कितनी वर्करों की सैलरी मिलती है और कितने दिन में कितनी छुट्टी मिलती है, सारा चीज़ लगा। फिर भी ये लोग क्या करते हैं कि वर्कर को दबा के डरा के ये लोग छुट्टी नहीं देती है। तो रियली मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, अगर आपकी कंपनी सप्लाई कंपनी है और आपको इस तरह से छुट्टी नहीं देती है, छुट्टी देती है बट छुट्टी का पैसा नहीं देती, जैसे मान ली ईद की छुट्टी है, नेशनल डे की छुट्टी है, संडे यहाँ पे छुट्टी है, वो छुट्टी तो देती है बट छुट्टी का दोस्तों उसका पैसे नहीं देती है। तो अगर आप 3-4 लोग 5 लोग अगर आप चाहो दोस्तों, रियली बोल रहा हूँ, आप मोहरे में कंप्लेन करके उस कंपनी के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया सकते हो, और चाहो तो दोस्तों वो कंपनी का लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है, बट आपके हाथ में है। आपको मिल रहा है कि नहीं, गवर्नमेंट को कैसे पता है? इसके लिए दोस्तों, अगर आप एक साथ खड़े हो जाते हो यहाँ पे, मोहरे वर्कर और कंपनी का प्रॉब्लम के सलूशन के लिए मोहरे को रखा गया है दोस्तों। बहुत सारे कंप्लेन डेली जाता है, वो लोग प्रॉब्लम का सलूशन निकालता है, आपके ऑनर से भी बात करेगा, आपसे भी बात करेगा कि क्या रियल है और क्या सही है, क्या गलत है। तो आपको मोहरे का नंबर, आप कोई भी टाइपिंग सेंटर में जाओ, वहाँ भी पूछोगे तो पता चल जाएगा, या तो गूगल पे सीधा टाइप करना है यूएई कॉन्टैक्ट नंबर, मोहरे कॉन्टैक्ट नंबर, ऐसा टाइप करो दोस्तों, मोहरे का कॉन्टैक्ट नंबर आ जाएगा। आप उस पर कॉल करके अपना समस्या बता सकते हो, आप अपना कोई भी कानूनी हेल्प ले सकते हो, पूछ सकते हो कि हाँ ये बात सच है, सारी कंपनियां वर्करों को छुट्टी देती है और उसका पैसे भी देते हैं, पेड लीव जिसे बोलते हैं, बट मेरी कंपनी क्यों नहीं देती है? तो वो सारे आपका जो भी है, आपका प्रूफ पूछेगा, आप किस देश से हो, आपका नेशनलिटी कौन सा है, और ये आपका आईडी कितना, आईडी नंबर क्या है, किस स्टेट का वीज़ा है, जैसे आपको अजमान का है, दुबई का है, शारजा का है, राशन खेमा का है, फुजेरा का है, आप वो चीज़ पूछ के उन लोग के सिस्टम में पूरा डिटेल ओपन हो जाता है, उसके बाद आपको बताएं कि आपका ये राइट है। तो दोस्तों, आपके हक के लिए आपको उठना पड़ेगा, तभी वो लोग छुट्टी आपको देंगे। क्योंकि बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर भाई नीचे कमेंट सेक्शन में बोलते हैं कि नहीं, आपने जो छुट्टी का न्यूज़ दिया था, हमारी कंपनी तो देती नहीं है। तो बहुत सारे कंपनी ये हरामपंती करती है। आप चाहो दोस्तों तो आप एक्शन लिवा सकते हो, बट अकेला करोगे दोस्तों थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, 3-4-5 लोग ये करके, और आप कंप्लेन कर सकते हो। आप ऐसा ना कि स्ट्राइक कर दो या वर्कर के साथ लफड़ा करना, बिल्कुल नहीं है दोस्तों। यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट खुद रखा है कानूनी हेल्प के लिए, आप वो लोग से पूछो, अपना समस्या बताओ, उसका सलूशन ज़रूर वो लोग निकालेगा। तो यह कुछ जानकारी था दोस्तों, मैं सोचा आप लोग के साथ शेयर कर दूँ। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ, जब तक जय हिंद।